उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला एक ऐसा जिला है जो गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। फतेहपुर जिले में ऐसे कई स्थान हैं जिनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिनमें भिटौरा, असोथर यानी अश्वत्थामा की नगरी भी है। फतेहपुर जिला इलाहाबाद मंडल का हिस्सा है। इसका बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। कहा जाता है किसी फतेहपुर में अंग्रेजी हुकूमत के समय डिप्टी कलेक्टर रहे हिकमतुल्ला खान ने हिंदुस्तानियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कलेक्ट्री छोड़कर क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने तमाम स्थानीय क्रांतिकारियों को एकजुट किया और अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच कई दिनों तक युद्ध हुआ, जिसके बाद 11 जून 1857 को फतेहपुर जिला को आजाद घोषित कर दिया गया, जिसके बाद हिकमतुल्ला खान ने 32 दिनों तक अपनी खुद की सरकार फतेहपुर में चलाई। लेकिन अंग्रेजों के चाटुकारों की मुखबिरी के चलते कर्नल नील की सेना ने बिलंदा कस्बे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका सर काटकर जनता में दहशत फैलाने के लिए शहर कोतवाली के गेट में एक महीने तक टांगे रखा। कहा जाता है कि 25 और 26 अगस्त 1826 को ब्रिटिश इंडिया की शासनकाल में जनपद फतेहपुर का निर्माण हुआ। कहा यह भी जाता है कि 1826 तक सब डिवीजन भिटौरा था, लेकिन बाद में भिटौरा को हटाकर मुख्यालय फतेहपुर से जोड़ दिया गया और फतेहपुर को जनपद के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। 1925 में गाजीपुर तहसील को समाप्त कर फतेहपुर में जोड़ दिया गया और खजवा तहसील का मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में फतेहपुर की 3 ही तहसीलें बची हैं, जिनमें फतेहपुर खागा और पिंकी हैं। फतेहपुर जिले के सबसे पहले कलेक्टर यानी जिलाधिकारी अलेक्जेंडर फ्रांसीसी लैंड थे, जिन्होंने 26 अगस्त 1826 को पदभार संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें।